Radhe Govinda Govinda Radhe. Radhe Radhe Govinda Govinda Radhe. Govinda Radhe Bolo Gopal Radhe. Govinda Radhe Bolo Gopal Radhe. Radhe Radhe Govinda Govinda Radhe. Shri Vanke Bihari Lal Ki, Shri Radha Vallabh Lal Ki, Shri Val Sarkar Ki, Sava Sant Bhagwan Ki, Anant Koti Vaishno Ki, Shri Hanumant Lal Ji Maharaj Ki, Thakur Shri Girindra Bihari Sarkar Ki, Shri Vrindavan Dham Ki, Shri Yamuna Ras Rani Ki, Puj Shri Pandit Baba Maharaj Ki, Puj Shri Kripa Sindhu Daya Ji Maharaj Ki, Jai Jai Shri Radhe, Itai Gaur Hari. Prata Ispani, Param Vandani, Shri Navadaya Ji Maharaj Ne, Param Pavan Granth, श्री भक्तमाल जी में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। पूर्व प्रसंग में आप श्री कुंभनदास जी महाराज के परम पावन चरित्र में अपने चित्त को अवगाहन करा रहे थे। अब अगला चरित्र इन्हीं के पुत्र चतुर्भुजदास जी महाराज का वर्णन करते हैं। जे बसे बसत मथुरा मंडल ते दया दृष्टि मो पर करो रघुनाथ गोपीनाथ राम भद्रदासु स्वामी गुंजा माली चित्त उत्तम विठल मरहट निह कामी यदुनंदन रघुनाथ रामानंद गोविंद मुरली सोती हरिदास मिश्र भगवान मुकुंद केशव दंडवती चतुर्भुज चरित्र विष्णुदास वेनी पदमो सिर धरो जे बसे बसत मथुरा मंडल ते दया दृष्टि मो पर करो। सिन्हा जी कहते हैं जो भक्तजन पहले मथुरा मंडल में निवास करते थे या अब कर रहे हैं वो कृपा करके मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि डालें जिससे मेरे को श्यामा श्याम के चरणों में प्रेम निरंतर बढ़ता रहे। इन्हीं भक्तों में नाम आया है चतुर्भुजदास जी का जो कि श्री कुंभनदास जी के सबसे छोटे पुत्र थे। कल आपने श्रवण किया श्री कुंभनदास जी के कितने पुत्र थे? सात। उन्हीं में सबसे छोटे चतुर्भुजदास जी हुए। कल आपने श्रवण किया था कि ठाकुर जी से आपने प्रार्थना की थी कि प्रभु
कोई सत्संग के लिए मेरे पास सत्संगी नहीं है, आपकी सेवा मिल जाती है, गौ सेवा मिल जाती है, लेकिन सत्संग नहीं मिलता, और सत्संग के बिना भक्ति आगे नहीं बढ़ती। भगति सुतंत्र सकल सुख खानी, भगति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावई प्राणी, बिनु सत्संग न पावई प्राणी। सत्संग के बिना वो भक्ति आगे नहीं बढ़ती है। महाराज जी कहते थे जीवन के अंतिम क्षण तक कभी कथा नहीं छोड़नी चाहिए, इस मन का भरोसा नहीं है कब कहां चला जाए, इसलिए इस मन को ठाकुर में लगाए रखने की अगर शक्ति है तो सत्संग में, कथा में, और भगवान से भी श्रेष्ठ चरित्र उनके प्यारे दुलारे संतों की। वैसे कोई भी भक्त का चरित्र बिना भगवान के पूरा नहीं होता, और कोई भी भगवान का चरित्र भक्त के बिना पूरा नहीं होता। अच्छा, भगवान का कोई चरित्र उठाओ, कोई सा, इसमें खाली भगवान ही भगवान हो, बनेगी नहीं लीला, या तो दाऊ दादा होंगे, या मैया होगी, या नंद बाबा होंगे, या उनके सखा होंगे, कोई ना कोई तो साथ में भक्त होगा ही होगा, तभी चरित्र बनेगा। कुंभन दास जी ने कहा ठाकुर से, ठाकुर ने पूछा क्यों उदास रहते हो, बोले प्रभु मैं आठों याम आपके भक्तों का संग चाहता हूं पर मिलता नहीं, मेरे बेटे हैं वो सब ऐसे ही हैं, खाओ पियो और सो वाले, खाते क्यों हैं, बोले कमाने के लिए, और कमाते क्यों हैं, बोले खाने के लिए, इसी में जीवन। ऐसे विषयी लोग अगर कहो थोड़ा भजन कर लो, थोड़ा दर्शन कर जाओ, हमने कौन से पाप किए दर्शन करने जाओ, या फिर अगर कहोगे ये नहीं खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, तो बनाया क्या को भगवान ने जो खाने चाहिए थे, तर्क करते हैं, बोले किसने देखा मरने के बाद क्या होगा, बोले जो कुछ है यही है, तो बोले खूब जितना हो सके मौज करो, एक तो आए थे आचार्य वो गए कहते थे जब तक जिंदगी है मौज करो, और नहीं तो कर्जा लेके करो और रोज करो, दुनिया में आया है तो कुछ कर जाओ और कर्जा लेके मर जाओ। बोले ऐसे ऐसे प्राणी भ्रमित करने के लिए बहुत हैं, और उसमें लोग भ्रमित जल्दी हो जाते हैं। कोई नया संप्रदाय चले अभी, बहुत जल्दी 1,00,000 आदमी जुड़ जाएंगे। एक संप्रदाय है उसमें कहते हैं खूब मछली का सेवन करो और मदिरा का सेवन करो और हरे कृष्ण मंत्र करो, तो करते हैं, बहुत संख्या अनुयायी है, बहुत इन्हीं उप संप्रदाय में आते हैं, यही आउल बाउल करता भाजा आदि जितने सब उप संप्रदाय है, सब इनकी संख्या देखो लाखों की संख्या, समूह का समूह, कहते हैं कोई बात नहीं। महाप्रभु जी ने भी ये कहा था जिससे किसी प्रकार से ये जीव जो है नाम करने लगेगा तो धीरे धीरे उसका सब कुछ छूट जाएगा,
अब ये क्या है, ये खाते हुए करो, चलो ना करने से रक्षा कर रहे हैं, लेकिन वो शुद्ध भक्ति का मार्ग नहीं है। तो महाराज ठाकुर जी ने कहा अब की बार तुम्हारा पुत्र होगा वो तुम्हारा जैसा ही सत्संगी होगा, 10 महीने बाद तुम्हारा जो पुत्र होगा वो परम भागवत होगा, वो तुम्हारा उपदेश प्रेम से सुनेगा और मानेगा और भक्ति भाव में तुमको भी आनंदित करेगा। और 10 महीने बाद जैसे ही संयोग आया उसी समय ठाकुर जी आपको साथ ले गए चोरी करने के लिए, कल आपने श्रवण किया। अब महाराज बड़ा सुख पाया चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन करके, उसी समय गोपी आ गई, मक्खन खा रहे थे उसी समय गोपी आ गई और ठाकुर जी ऊपर कुम्भनदास जी के कंधे पे चढ़े हुए थे। और कुम्भनदास जी बोले अब क्या करें, खुद तो फंस गए मोर फंसवा दियो। तो बोले एक काम करो, ठाकुर बोले मैं तो निकल जाऊंगा, बोले तू फंस जाओ पर तुम्हारा काम तो फंसावे को ही है। ना ना ऐसा करियो, मैं तेरा साथ दूंगा, जैसो मैं कर रहा हूं ऐसा तू ही करियो, तू ही बच जाएगा। बोले का करो, बोले सबसे पहले मुंह में दूध भर ले। तो उस ठाकुर जी ने दूध भर लिया मुंह में, वैसे कुम्भनदास जी ने भर लिया मुंह में दूध और सामने गोपी पकड़ने को आई। तो बोले गोपी से बोले काय आखंते काय, बोले कान में कहूं ऐसा बोल रहे मुंह में भरा हुआ दूध का है, उनकी मुखार बिंद तो सुंदर है का है। कान में कहूं तो पास में आ गई, जैसे पास में आई तो मुंह का जितना भरा हुआ दूध उसके मुंह पे पुर्र कर दिया, जब पुर्र कर दिया तो पूरे महाराज आंखों में दूध चला गया, तो आंख कुआं से लगी, झट से बगल से निकल के भाग गए ठाकुर जी। अब कुम्भनदास जी आए तो वो भी आए, उन्होंने पुर्र कर दिया और झट से वो निकल के चले गए। जब पहुंच के तैयार हुई तो बड़ा आनंद आया कुम्भनदास जी को, बोले आज तुमने बढ़िया खेल खेला, हमको भी खिलाया तुमने आज, तो आपने पद लिख दिया आने हरी पाए होनी के चोरी चोरी दही माखन खायो, चोरी चोरी दही माखन खायो, गिरधर दिन प्रति ही के गिरधर दिन प्रति ही के आने हरी पाए हो नी के, रोक्यो भवन घर में रोका, रोक्यो भवन द्वारे ब्रज सुंदरी, रोक्यो भवन द्वारे ब्रज सुंदरी, ये ठाड़े पय पी के, ये दूध पी के ठाड़े हुए थे, ये ठाड़े पय पी के अब कैसे जइयत घर अपने। गोपी ने कहा अब कैसे जाओगे अपने घर, अब कैसे जइयत घर अपने, भाजन फोर दूध दही के, जितने मटके फोड़ दिए दूध दही के अब कैसे जाओगे। तो कह रहे हैं कुंभन दास
प्रभु भले परे फंद। कुंभन दास प्रभु भले परे फंद, ज्ञान न दई हो भावते जी के। तो क्या किया, भरी गंडूस, गंडूस माने कपोल, भरी गंडूस छीट दे नैनन, आंखों में भरी गंडूस छीट दे नैनन, गिर घर धाय चलो देखी के। गिर धर धाय चलो देखी के, की के माने कहते किलकारी मारते हुए, ले रे गोपी ले रे ठेंगा पड़ल ले, सुनने करे किलकारी मारते हुए। तो कुंभन दास जी बोले बड़ा आनंद आया। तो ये पद आप गा रहे थे कुंभन दास जी, और उतने में क्या हुआ, उधर से पुत्र प्रसव का समाचार मिला कि पुत्र लाला हुआ है। बड़ी प्रसन्नता हुई महाराज, क्योंकि उस समय चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन कर रहे थे, याद कर रहे थे वो कैसे ठाकुर ने आज दो हाथ निकाल लिए थे पीतांबर बांधने के लिए, तो चार भुजा ठाकुर का दर्शन कर रहे थे। तो आपने मुख से आके निकल गया, आयो चतुर्भुज को दास आयो, मेरे यहां चतुर्भुज दास, चतुर्भुज जी का दास आया है। आयो चतुर्भुज को दास आयो, सत्संग के हित प्रभु ने पठायो, सत्संग के लिए ठाकुर ने इसे भेजा है, इसलिए बालक का नाम रखा चतुर्भुज दास। ये अष्ट छाप के कवियों में एक कवि हुए हैं, चार वल्लभाचार्य जी के शिष्य और चार श्री विठलनाथ जी के शिष्य। ये विठलनाथ जी के शिष्यों में चतुर्भुजदास जी हुए हैं। अब महाराज, अब तो जैसे पुत्र होता है और कुछ काल पश्चात ही मां सोचती है कि जल्दी से बड़ा हो जाए तो इसका ब्याह करूंगी, बटुआ सी बहू लाऊंगी, उसकी मनोकामनाएं चालू हो जाती है। ऐसे ही कुंभन दास जी की मनोकामना चालू हो गई, ये जल्दी से बड़ा हो जाए, ये बोलने लगे तो फिर से मैं सत्संग करूंगा, इससे भगवत चर्चा करूंगा। ज्यादा नहीं, ग्यारहवें दिन ही गोदी में लेके आए और विठलनाथ जी के चरणों में डाल दिया और बोले अच्छा प्रभु कृपा करो, इसको दीक्षा दे दो। 11 दिन के लिए तुम्हारा मस्तक पे हाथ फेरा, बोले ये हमारा हुआ ये बालक। मस्तक पे हाथ रखते ही आचार्य जी की कृपा हो गई तो बालक उसके मुखारविंद पे एक अलग ही तेज उत्पन्न हो गया। ये महापुरुष केवल देख देने किसी को उसी से काम हो जाता है, और छू दे तो फिर कहना क्या है। जैसे कहते हैं ना, दरस परस मज्जन अरूपाना, श्री यमुना जी का दर्शन मिल जाए क्या कहना, संपूर्ण पापों का हरण कर लेते हैं, और आचमन को मिल जाए परस और क्या कहना, और यदि स्नान करने को मिल जाए तो और क्या कहना, हर ही पाप कहीं वेद पुराना। ऐसे ही ये संत किसी को स्पर्श कर दे, पहले तो कहते दर्शन से ही, संत दरस जिमी पातक तरही, संत के दर्शन से ही पाप दूर हो जाते हैं।
एक संत भाव देते थे, कहते थे संत दरस जिमी पातक तरही, तर जाते हैं नष्ट नहीं होते। बोले कैसे? बोले कोमल में जाते हैं दर्शन करने तो इतने संतों का दर्शन होता है तो पाप नष्ट होते हैं। जब द्रव ही दीन दयालु राघव साधु संगति पाइये, जे दरस परस समागम आदिक पाप राशि नसाइये। तो कहते हैं जब नष्ट हो जाते हैं पाप तो उनका हृदय बदलता क्यों नहीं? कुंभ में जाते हैं और नहा के आ जाते हैं, कुछ परिवर्तन आता है? नहीं आता, वैसे ही रहते हैं। तो कहते क्यों परिवर्तन आना चाहिए जब कुंभ गए तो वह सुंदर भाव देते। उसमें संत कहते संत दरस जिमी पातक तरही, वो तरही तर जाते हैं नष्ट नहीं होते हैं। और जैसे ही संत के दर्शन हुए और तर जाते एक तरफ हो जाते हैं, और जैसे ही संत गए तो लौट के आ जाते हैं, इसलिए दूर नहीं होते हैं, इसलिए मन नहीं बिगड़ता, मन बदलता नहीं है, लौट के आ जाते हैं। परिवर्तन तो होना चाहिए ना, लेकिन परिवर्तन कहां होता है? तो महाराज संत के श्री आचार्य की कृपा हुई, बालक को ले आए। अब महाराज कुम्भनदास जी सीनाथ जी से एकांत में मिले। अब तो ठीक है, अब तो खुश हो जाओ। कुम्भनदास जी कहते प्रभु मैं खुश हूं, पर खुश तो जब होंगे जब बातें चर्चा भगवत चर्चा प्रारंभ हो जाएगी, अभी तो छोटो है। सीना जी का दर्शन कर लेते। अब इनकी लीला बड़े विचित्र, चतुर्भुजदास जी की, क्या? बोले मैया का दूध नहीं पीते थे जब तक सीना जी का दर्शन नहीं कर लेते। गोदी में लेके जाते कुम्भनदास जी मंदिर और दर्शन कराते सीना जी का, तब लाके देते माँ की गोद में, तब दूध पीते थे। ऐसे दूध मुंह में लगाते तो नहीं पीते थे। ये महापुरुष इस सबकी निष्ठाएं पूर्व जन्म की होती हैं, सब पहले ही भूमिका बनी होती है। ये जीवों को शिक्षा देने के लिए आते हैं, क्योंकि बहुत से संत है ना कि बिना नियम के पानी नहीं पीते हैं। बहुत से संत हैं कि ठाकुर जी की सेवा करने के बाद भी कुछ ग्रहण करते हैं, तो आप कहेंगे महाराज सब बेकार की बातें हैं सभी। जिसको अनुभव नहीं है वो बेकार की बात ही कहेगा। ठाकुर की भक्ति तो प्रारंभ होती है, कहते हैं भक्ति करो शाम की तरह, शाम की छाया की तरह, दिन की छाया की तरह नहीं। आप दिन में देखिएगा अपनी छाया को, आपकी लंबी छाया होगी, और फिर छोटी होते 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 12 बजे दोपहर में गायब। उसके बाद एक शाम को देखिए 4 बजे एक बार बढ़ती है, तो बढ़ती छाया शाम वाली बढ़ती जाती है, कम नहीं होती। तो भक्ति हो तो शाम वाली हो, सुबह वाली ना हो। अर्थात परिक्रमा भी देंगे, आरती भी करेंगे, दर्शन करने भी जाएंगे, एक लाख नाम भी करेंगे, और ठाकुर सेवा के ठाकुर सेवा भी करेंगे, झाड़ू भी लगाएंगे, पोछा लगाएंगे, और वहां कथा सुनने जाएंगे। बोले एक संगत उठा लो, एक संग उठाओगे तो फिर क्या करोगे? बोले खाट पे पड़ जाओगे। तो जितनी उठाई थी ना सब विश्राम हो गया सीधे। इसलिए थोड़ी थोड़ी करके जब धीरे 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 होने लगे शाम वाली भक्ति, तो आपकी भक्ति बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। रोज दर्शन करने जाते महाराज,
और श्रीनाथ जी का दर्शन करके ऐसे किलकारी मार के महाराज हाथ पैर को चलाते, छोटे से बालक प्रसन्न हो जाते। इस प्रकार धीरे धीरे बड़े होने लगे, 5 साल के हो गए। जब 5 साल के हो गए तो महाराज ठाकुर इनके साथ खेलने लगे सीनाथ जी, और अपने संग लेवा के ले जाते, चल वहां खेलेंगे गोविंद कुंड में, चल वहां खेलेंगे गिरिराज जी की तरटी में। और कुंभनदास जी बेचारे खोजते रहते, कहां गया छोरा कहां गया, क्योंकि और सब खो जाते कोई बात नहीं, लेकिन यही तो सबसे ज्यादा प्यारा था, क्योंकि ठाकुर ने कृपा करके इसको दिया था। जब पता ही लगता कहीं भी पुत्र का, तो क्या करते, विठलनाथ जी के पास जाके बोलते, विठलनाथ जी बता देते आज वहां खेलने गए हैं। एक दिन ऐसे ही खोजते खोजते हार गए, जब नहीं मिला पुत्र तो विठलनाथ जी से जा कहा, जय जय आज लाला ना मिल लो, पतो ना कहां गए हो। तो श्री गोसाई जी ने कहा विठलनाथ जी ने कि ये सीना जी के नित्य सखा हैं, इनका नाम विशाल है, पूर्व जन्म के सखा का नाम विशाल है, उनके ये अवतार हैं, आप चिंता मत करो, कहीं नहीं जाएंगे, वो उन्हीं के साथ रहेंगे, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, तो बोले अभी कहां जाऊं, बोले आप घर जाओ, आपको थोड़ी देर में मिल जाएंगे, आ जाएंगे। इनका मन नहीं माना, ये चले गए श्याम घाट पे, गोदगदा जी में है श्याम घाट, वहां चले गए। तो क्या देखा, चतुर्भुजदास जी सीनाथ जी के साथ खेल रहे थे, बड़ी शांति मिली महाराज को और बड़ी प्रसन्नता हुई कि सीनाथ जी ने मेरे पुत्र को अपना लिया। अपने परिकरों में सम्मिलित कर लिया। महाराज एक दिन सीनाथ जी ने चतुर्भुजदास जी से कहा, अरे कुंभना के बाप का नाम लेके बोलते हैं ना, ए नंदू के ऐसे बोलते हैं, तो ऐसे बोले कुंभनदास जी के पुत्र थे, ए कुंभना के सुन, बोले काय, वो भी ऐसे काय, चल मेरे साथ। बोले कहा, वह तो मक्खन मिश्री खिलाऊं, और मक्खन मिश्री खिलाए के तो मल्ल बनाऊं, मल्ल यानी कि पहलवान बनाऊंगा तुझे। अच्छा चल फिर। बोले कहा, चल तू बस, तो संग में चल दिए उनके, और महाराज पहुंच गए एक गोपी के घर में, ब्रजवासी गोपी घुस गए और खोज के कहां दूध मलाई है और कहां दही है और कहां पे मक्खन है, खोज खोज के खावे लगे। वो कहूं गई अति खेत पे, गोपी अति ना की, खूब खावे लगे महाराज। इतने में वह ब्रजवासी की छोरी आएगी, लाली छोटी हती आ गई, फिर तो बहने देखो ठाकुर तो दिखे नहीं, ये दिखे चतुर्भुजदास जी। अब उसने हल्ला मचाना प्रारंभ किया, अरे काका आइयो, चाचा आइयो, अरे मैया कहाँ गई, देखो चोर घुसे आयो घर में, चोर चोर चोर, चिल्लाए लग गई महाराज, अरे जल्दी आइयो, ये कुंभना को सब खाएगा हमारे घर को। अब महाराज सब आ गए थोड़े, वो चतुर चोर जो ठहरे वो तो निकल ली,
यहाँ कूदे वहां कूदे, खिड़की पे चढ़े, खिड़की कूद के बाहर, गोविंद आए नमो भक्त महाराज, नौ दो ग्यारह जी फंस गए महाराज, छोटे बालक थे, रोवे लगे महाराज, हाथ पकड़ लियो ग्वाले ने, मकान वाले ने, दो चार छाटे जड़ा दी, चौहे तुम बना के अभी पैदा भयो ना है, और अभी तो चोरी करो सीखो, अब की बार दोबारा आयो तो ऐसी मार दूंगा, तेरे बाप मारूंगा तो मारूंगा, दोनों ने मारूंगा, चल यहां पे। ऐसा कह के महाराज निकाल लियो, चतुर्विदा जी वहां से छूट के और रोते भाई घर मांगो आ रहे हैं। रस्ते में दो चार ग्वाल वालों को संग लेके बैठे हैं सरकार, देख वो आ रहा पिट फटा के आ रहा, वो आ रहा पिटता हुआ, देख आनंद पास में आनंद, देख आनंद लेंगे आनंद, पास में आए महाराज मुस्कुरा रहे, कैसी रही महाराज, बाकी आग लग गई, हंसी उनकी हंसते हुए देख के बोले, बोले दही माखन तो तेने खायो, मोकू तेने खूब पिटवायो, मुझे छोड़ के भाग गया। सिन्हा जी बोले तो का है गो, कुछ पिट गए तो पिट गए, का है माखन मलाई तो खायो, बाप स्वाद तो खूब आयो। बोले कुटे पिटे बिन मल ना होई, और जब तक कुटेंगे ना पिटेंगे ना मल थोड़ा बन जाएंगे पहलवान ऐसे ही। अरे पहलवानों ने देखो कैसे अपने आप कह रहे हमको मारो, लठ से पिटवाते हैं, इधर से उधर से, इधर से मारो इधर से मारो, जब तक मारते हैं तब पहलवान बनते हैं, ये थोड़ी नहीं ऐसी बन जाए पहलवान। अब महाराज सबरे चल जा घर जा, कल देखेंगे, तुम्हारा सबको विदा किया। कुमंदा जी महाराज और श्री चतुर्भुजदास जी दोनों छत पे जाके सत्संग करते एकांत में अकेले में, कोई जानता था इस बात को, जब सब काम से फुर्सत हो जाते तो चतुर्भुजदास जी और कुमंदा जी छत पे चले जाते, छत पे छोटी सी झोंपड़ी बना रखी थी, वहीं मानसिक चिंतन करते थे दोनों। एक दिन अर्धरात्रि में दोनों बैठे हुए थे ऊपर